अच्छा देखिए पिताजी, मेरा निवेदन सुनिए। आपने आपके वचन को टूट जाने दिया, मैं चुप रहा। आपने युधिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया, मैं तब भी चुप रहा। मेरे कहने पर मेरे सारे भाइयों को छोड़िए। मेरा प्रिय अनुज दुशासन तब चुप रहा, लेकिन अब हमारे चुप रहने की सीमा यहां समाप्त होती है पिताजी।